दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी ने राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया। दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में दर्जनों दिव्यांगजन विभिन्न समस्याओं को लेकर नारेबाजी करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए संस्थापक जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दिव्यांगजन एवं वृद्ध जनों की पेंशन हेतु विभागों द्वारा कराए जाने वाले प्रतिवर्ष सत्यापन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए, क्योंकि विभाग की फीडिंग के कारण पात्र लाभार्थियों के निवास स्थान गलत दर्ज हुए, जिससे तहसील लेखपाल सत्यापन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते बहुत से पात्र लोगों की पेंशन बंद हो चुकी है तथा पात्र लाभार्थियों की सही फीडिंग कराई जाए, उसके बाद सत्यापन 5 वर्ष में आशा वर्करों से कराई जाए, जिससे दिव्यांग और वृद्धजनों की परेशानी भी बचेगी तथा सही तथ्य सामने आएंगे, जिससे पात्र लाभार्थी पेंशन व अन्य लाभकारी योजनाओं से वंचित नहीं होगा। उन्होंने बताया कि चलने करने में असमर्थ पात्र राशन कार्ड धारक दिव्यांगजन और वृद्धजनों के घरों से राशन कार्ड की KYC कराई जाए, जिससे वह खाद्य सामग्री पाने से वंचित न रहे। इन समस्या को लेकर यहाँ जिलाधिकारी ज्ञापन देने आए। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है, हम दिव्यांग एकता वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक हूँ। आज जो समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो रही है वो है आधुनिक युग में ऑनलाइन से सारी चीज़ें सिस्टम चालू हो गए हैं, जिसके कारण दिव्यांगों को काफ़ी दिक्कतों का परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि पूर्व में जो प्रस्तावित पेंशन आती थी लोगों की, वो आज जो फीडिंग हुई है कंप्यूटर में ऑनलाइन सिस्टम में, वो गलत तरीके से की गई है और उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है किसी भी लेखपाल के माध्यम से। लेखपाल से जब बातें होती है तो लेखपाल कहते हैं कि कहीं का नाम कहीं इन्होंने लिस्ट में डाल रखा है, इस वजह से हम लोग भी सत्यापन करने में असमर्थ हैं। इसलिए इसी यही कारण है कि बहुत लोगों के दिव्यांगों के पेंशनें बंद हो गई हैं और इसी चक्कर में ये बहुत सारे दिव्यांगों के जो खाते हैं वो अदल बदल कर दिए गए हैं, जिससे कि विकलांगों को खासा परेशानी हो रही है, उनकी पेंशन बंद होने के कगार पर है। इसी इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम आज जिलाधिकारी कार्यालय अलीगढ़ पर आए हैं। इस हमारी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया का नाम संबोधित ज्ञापन दिया है कि इस पर तत्काल प्रभाव से अविलंब रोक लगाई जाए और 5 साल में इसका सत्यापन आशा वर्करों से कराया जाए, जिससे कि हकीकत सामने आ सके। अगर मांगे नहीं होती आगे हम क्या करोगे? नहीं, मांगे नहीं मानी जाती है तो हमें प्रदर्शन और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।